शिशुपाल, इस छोटे ब्राह्मण को कहीं जाने मत देना। पहले मैं इस ब्राह्मण का अंत करूंगा और उसके बाद तुम इस छोटे ब्राह्मण का सर धड़ से अलग कर देना। मुझे तो वैसे भी इस छोटे ब्राह्मण पर संदेह हो रहा था, इससे मारने में तो बहुत आनंद आएगा। भारत जरासंध के, भारत जरासंध के। तब से मुझे इसी एक क्षण की प्रतीक्षा थी। भीम, सावधान रहे, जरासंध कोई साधारण योद्धा नहीं है और उसे परास्त करना सरल नहीं होगा। स्मरण रखना, युद्ध के समय एक दृष्टि तुम्हारी शक्ति को कम हका है ब्राह्मण, इसीलिए तुम ये कर पाए हो, किंतु शीघ्र ही तुम इसके लिए पछताओगे। अब तुम छल करोगे, नियम तोड़ोगे जरासंध। मल्ल युद्ध में गदा का प्रयोग तो होता ही है ब्राह्मण। ठीक है, यही सही। सुनो सुनो, आप लोगों ने कृष्ण का नाम लेना क्या आरंभ किया? वहाँ किसी ब्राह्मण ने पहली बार हमारे निर्दयी राजा को ललकारा है और उन दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है और जरासंध हारते हुए दिख रहे हैं। भला ये कैसे संभव है? जरासंध को चुनौती, जरासंध की हार, असंभव। क्यों बंधुगण, भला संभव कैसे नहीं? आप सबका कृष्ण को देखना भी असंभव था ना, किंतु देखिए, आप सभी ने कृष्ण के दर्शन किए, आप सभी निश्चिंत रहिए। संभव असंभव सब कृष्ण पर छोड़ दीजिए। ये जरासंध फंस क्यों रहा है? भीम, तुम युद्ध में इतने खो गए कि तुम्हें स्मरण नहीं कि तुम्हें मुझ पर भी दृष्टि रखनी थी। Ha ha ha!
मैं जरासंध के दो टुकड़े कर दूंगा। मैं माता जरा की संधि से बना हूं मूर्ख ब्राह्मण, मैं जरासंध हूं। जरा नाम की इस राक्षसी ने इस बालक के शरीर के टुकड़ों की संधि कर इसे पुनर्जीवित किया है। आज से ये बालक जरासंध के नाम से विख्यात होगा। अब जरासंध को कितनी बार भी मारो वो नहीं मरेगा, फिर से जुड़ जाएगा। मैं जरासंध हूं, अमर हूं मैं। महाराज जरासंध की। मूर्ख ब्राह्मण, तो अब तक समझा ही नहीं, जरासंध अमर है, मैं नहीं, तू मरेगा इस युद्ध में। तू जरासंध को कोई नहीं मार सकता, उसे अमरत्व का वरदान है, वो अमर है। जब उसे कोई मार ही नहीं सकता तो कृष्ण का नाम जपने पर वो हमें मृत्यु दंड दे देगा। मैं समझती हूँ, कृष्ण विश्वास अनुभव करने से ही आता है। आप भले ही भय के कारण मौन रहे, किंतु मैं मौन नहीं रहूंगी। आज आप कृष्ण की दिव्यता और सामर्थ्य को स्वयं देख लेंगे। पहले वो मरेगा, उसके बाद तुझे मारूंगा। मान जा ब्राह्मण, जरासंध से जीतना असंभव है, जरासंध अमर है। अमर को कैसे मारेगा तू? संसार में कोई अमर नहीं होता, मैं नहीं तो श्री कृष्ण साक्षात तिरंत करेंगे। मेरे लिए तेरे अंत का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेंगे। कहाँ है वो रणछोड़ कृष्ण? जरासंध को मारने का एक ही उपाय है, उसके शरीर के दो भागों को
विपरीत दिशा में फेंकना होगा।